डेटा एनालिस्ट की जॉब मार्केट में है भी या नहीं है? क्या चैट जीपीटी डेटा एनालिस्ट की जॉब खा जाएगा? क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग की जरूरत है या नहीं है? डेटा एनालिस्ट में सैलरी पैकेजेस और करियर स्कोप क्या है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो आप मेरे से अक्सर पूछते रहते हो, एंड आई नो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और नॉट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड करना कि एक डेटा एनालिस्ट का करियर आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले आपके ये चार जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, डेटा एनालिस्ट की जॉब्स अवेलेबल है भी मार्केट में या नहीं है? दूसरा, क्या चैट जीपीटी या एआई टेक ओवर कर लेगा डेटा एनालिस्ट को, क्या उसकी जॉब खा जाएगा? थर्ड, कोडिंग रिक्वायर्ड है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए या नहीं है? फोर्थ, इसमें सैलरी पैकेजेस और करियर स्कोप क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डेटा एनालिस्ट की एग्जैक्टली जॉब्स अवेलेबल भी है या नहीं है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि हम डेटा एनालिस्ट बने भी या ना बने। क्या फायदा इतने सारे टूल्स लर्न करने का, क्या फायदा प्रोजेक्ट्स लर्न करने का, बनाने का, क्या फायदा लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल पुट करने का, क्या फायदा कनेक्शंस बिल्ड करने का, नेटवर्क बिल्ड करने का, अगर अल्टीमेटली डेटा एनालिस्ट की जॉब है ही नहीं मार्केट में। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप डेटा एनालिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब जो टूल्स हैं वो लर्न कर लेते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लेते हो, कुछ सैंपल्स, अपना थोड़ा बहुत नेटवर्क बना लेते हो, अच्छा प्रोफाइल बना लेते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट टाइटल के लिए ही एलिजिबल नहीं होते, इसके अलावा बहुत से टाइटल्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मैं सिंपली आता हूँ चैट जीपीटी पे और एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूँ, दैट व्हाट ऑल जॉब रोल्स आई कैन सर्च फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब। और यहाँ पर चैट जीपीटी मुझे आंसर देने लगता है, आपके सामने ये मुझे दे रहा है, आप भी सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर कि आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, ऑपरेशंस एनालिस्ट बन सकते हो, हेल्थ केयर एनालिस्ट बन सकते हो, बीआई डेवलपर और बीआई एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, कस्टमर डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अब आप देखोगे इसके अंदर वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट और सिमिलर रोल्स के लिए। आई नो कुछ रोल्स इसके अंदर मुझे यहां पर देख रहे हैं जिसके अंदर कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन मैक्सिमम रोल्स जो आप देख रहे हो, जो एनालिस्ट के रोल है यहां पे, मैक्सिमम जॉब रोल्स में अगर आप देखोगे तो जो आपने टूल्स लर्न किए टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, यहां पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो यहां पर इतने सारे जॉब रोल्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, बट आई नो कुछ जॉब रोल्स यहां पर है वो डेटा एनालिस्ट से ज्यादा सिमिलर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स और कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हम इसको हटा सकते हैं। और कुछ और रोल्स हैं, डेटा इंजीनियर को आप हटा सकते हो, स्टैटिस्टिकल के लिए आपको स्टैटिस्टिकल डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर आप यहां से हटा सकते हो, बट बाकी के करीबन करीबन 10 रोल्स अगर हम देखें तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक दो चीजें आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको यहां पे निकल के आता है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस एनालिस्ट की, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट की, रिस्क एनालिस्ट की, तो ये लोग क्या है? ये बेसिकली अगर कोई इंसान जो हेल्थ केयर से बिलोंग करता है, हेल्थ केयर डोमेन से बिलोंग करता है, तो वो अपने हेल्थ केयर डोमेन की नॉलेज को कंबाइन कर सकता है डेटा एनालिस्ट की नॉलेज के साथ और अपने रिलेटेड डोमेन के अंदर एज एन एनालिस्ट की जॉब ले सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाना चाहता था, इस वजह से एवेन्यूज बहुत ज्यादा खुल जाते हैं और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन योर रेस्पेक्टिव डोमेन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने डोमेन की नॉलेज है साथ में आप एनालिस्ट की नॉलेज लेकर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर अगर आप देखें ये लिंक्डइन प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं, ये है वैभव गांधी का, जो मेरे एक मेंटी हैं। इन्होंने क्या किया, अपने फाइनेंस डोमेन की नॉलेज ली और एनालिस्ट की नॉलेज ली और उसको कंबाइन करके एक्ले के अंदर जॉब ली, जो कि एक बीरा का ब्रांड है। दैट इज अ स्मार्ट मूव। और उसके बेस पे इनको जो पैकेज मिला था, 10 लाख पर एनम का पैकेज मिले था इनके इनिशियल करियर में, विच इज अ वेरी गुड पैकेज। इसी तरह से जब आप किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर जाते हो और सर्च करते हो डेटा एनालिस्ट, तो यू विल फाइंड लिमिटेड जॉब्स, बट इसी से रिलेटेड जो और भी रोल्स हमने देखे जो चैट जीपीटी हमें सजेस्ट की, अगर आप वो भी सर्च करोगे तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन द डोमेन ऑफ एनालिसिस, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो वंस यू आर बिकम एलिजिबल टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। नाउ इट्स क्लियर कि मार्केट के अंदर डेटा एनालिस्ट की जॉब है या नहीं है, तो आंसर इज यस, जॉब्स हैं। लेकिन हाँ, दूसरा एक और सच यहां पर
ये है कि जॉब कम है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी मार्केट कंडीशन खराब है, बट ये टेम्परेरी है, कुछ ही महीनों के अंदर ये इंप्रूव हो जाएगा एंड देन यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या चैट जीपीटी या एआई एक डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी डिटेल में पिछले वीडियो में कर दिया था, बट इस वीडियो में आपको अगेन बता देता हूं एक ब्रीफ में कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन, लॉजिकल रीजन ये है कि जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो तो एआई रिप्लेस कर देगा, लेकिन बिजनेस की नॉलेज एक न्यू एज डेटा एनालिस्ट को होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, देन एआई कांट रिप्लेस यू। अनदर पॉइंट, जब आप बात करते हो उस इनसाइट्स को प्रेजेंट करने, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, डेटा के अंदर से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालकर प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे वो डिसीजन ले पाते हैं और कंपनी को ग्रो कर पाते हैं। जब डेटा के बेस पे इनसाइट्स निकाली जाती हैं, तो उसके लिए एक बिजनेस सेंस होना जरूरी है एक न्यू एज डेटा एनालिस्ट को। तो अगर आप एक न्यू एज डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के सेंस थोड़ा बहुत लेना जरूरी है, और उसके बाद उन इनसाइट्स को प्रेजेंट करना टॉप मैनेजमेंट को, ये काम भी एआई नहीं कर सकता। तो ये दो चीजें आपको जिंदा रखती है एज अ डेटा एनालिस्ट। इनफैक्ट आप एआई का यूज करके अपने प्रोसेस को स्मार्ट बना सकते हो और फास्ट बना सकते हो, दैट एडवांटेज यू कैन टेक इवन फ्रॉम एन एआई। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा एज अ डेटा एनालिस्ट, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है। और ये चीजें मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि पिछले 12 सालों से मैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हूं और मैं समझता हूं कि लोग कहां पर हैं और किस तरफ जा रहे हैं। 500 से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मैं दे चुका हूं, रेगुलरली मैं एचआर से मीट करता हूं, बिग कंपनीज लाइक डेलॉयट, केपीएमजी, फोर्टिस, वॉल्वो, आइशर, मारुति, होंडा, आई नो व्हाट दे आर थिंकिंग, कहां पर मार्केट है। सो दैट्स द रीजन आई कैन टेल यू देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर अ डेटा एनालिस्ट इन द मार्केट, बट मेक श्योर दैट यू शुड बिकम अ न्यू एज डेटा एनालिस्ट। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स आई नीड टू पुट इन टू क्रिएट सच वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए भी, सो गिव मी अ थम्स अप ऑन टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की कि क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है। देखो आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम चीजों के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत सी जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिस जॉब रोल के अंदर मिनिमम या नो कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और डेटा एनालिस्ट उनमें से एक जॉब है। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं और आईटी में आना चाहते हैं बट दे डू नॉट लाइक कोडिंग। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप पावर बीआई टूल का यूज कर सकते हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है एक तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, और सबसे बढ़िया बात है कहीं ना कहीं ये कोडलेस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम या टूल है। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो उसके लिए बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल अगर आप कर लोगे तो दैट इज इनफ, क्योंकि डेटा फेच करने के लिए एसक्यूएल की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है अक्सर मार्केट के अंदर। एज पर माई एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट फर्स्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पावर बीआई, क्योंकि वो आपका मेन टूल होने वाला है, उसके बाद देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड मीनवाइल जस्ट लर्न द बेसिक ऑफ एसक्यूएल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं अपने मेंटीज के। यहां पर आप देख रहे हैं ही इज तुषार गायकवाड, ये एक सिविल इंजीनियर थे, बने डेटा एनालिस्ट, 7,000 रुपए सैलरी थी और कोई छुट्टी नहीं होती थी, और अब इनकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए पर महीना एज अ डेटा एनालिस्ट। ही इज राजू कुमार जो एक साइट इंजीनियर थे, साइट पे जाके काम करते थे अगेन फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड, और उनकी सैलरी थी 2.1 लाख पर एनम की, और अब ही इज अर्निंग 4.8 लाख पर एनम इन टीसीएस एज अ डेटा एनालिस्ट। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स विद मी। ही इज सोहेल शेख, जो कि 3 ऑफर मिले इनको एज अ फ्रेशर विद मैक्सिमम अप टू 12 लाख पर एनम का पैकेज भी इनको ऑफर किया गया था। ही शशांक, ही गॉट अ पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम बेस्ड ऑन द पावर बीआई नॉलेज। ऐसे ही बहुत सारे, अब ये बीपीओ से बिलोंग करते थे और बीआई एनालिस्ट बने संदीप डोंडियाल, 100% इनको हाइक मिली और अभी इनका पैकेज 6 लाख पर एनम का है। अगेन दिस इज जे पांडे, ये बने पावर बीआई डेवलपर, अब सिमिलर रोल एक तो हो गया और इनका पैकेज लगा 5.6 लाख पर एनम का। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं और ये सारी पॉडकास्ट मैंने अपने चैनल के ऊपर भी डाली हुई है जस्ट टू शो यू कि इनकी क्या जर्नी रही, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो आप नॉन आईटी से आईटी में आके डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, जो मैंने आपको तरीके बताएं उसके बेस पे। होप यहां तक आपको भरपूर नॉलेज मिल रही है। प्लीज फॉर दैट सेक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन है, दोनों प्रेस कर लो ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू सो वेरी मच दिल से हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर्स करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्या सैलरी पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, और क्या करियर स्कोप रह सकता है। तो जो पहली डेजिग्नेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज द जॉब रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट या सिमिलर जॉब रोल अगर आप अपने डोमेन से अप्लाई करते हैं। इसके अंदर आप मिनिमम
सैलरी पैकेज 4 से 8 लाख पर एनम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही पर अगर आप 2 से 3 साल स्पेंड करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, देन यू कैन बिकम अ सीनियर डेटा एनालिस्ट और अ सिमिलर जॉब रोल, जहां पर आप सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं 9 to 14 लाख पर एनम का। देन यू बिकम अ डेटा एनालिस्ट लेवल 3, जहां पर आप सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं 14 to 22 लाख पर एनम का। एंड देन यू कैन बिकम प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जहां पर सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट करते हैं 22 से लेकर 37 लाख पर एनम। एंड देन फाइनली यू कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ डेटा एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज ऑफ अप टू 50 लाख पर एनम। बहुत से लोग मार्केट में आज के टाइम पे ऐसे भी हैं जो कि 1 CR का पैकेज भी ले रहे हैं। अब इस वीडियो को हम कंक्लूड कर लेते हैं और 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं कंक्लूजन के अंदर। पहला है कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको एक न्यू एज डेटा एनालिस्ट बनना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको बिजनेस रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द टूल्स, बिकॉज टूल्स कैन बी रिप्लेस बाय AI बट नॉट द बिजनेस नॉलेज। सेकंड पॉइंट इज अप्लाई फॉर द डेटा एनालिस्ट जॉब एंड द रिलेटेड जॉब रोल, जैसा हमने ChatGPT के ऊपर देखा। थर्ड पॉइंट ये आता है कि अपने डोमेन नॉलेज से रिलेटेड डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करो। It could be HR analyst, it could be finance data analyst, it could be marketing, it could be sales, anything, जो भी आपको prior knowledge है, अगर है तो उससे related apply करो तो आपको ज़्यादा advantage मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि company को preference ये होती है कि आपके पास अगर domain knowledge है and analytics की knowledge है तो that would be a preferred candidate for that particular job role. I hope मैं आपके सारे questions का answer इस video में कर पाया। I hope now you can decide कि आपको data analyst बनना है नहीं बनना, पर अगर आप चाहते हैं data analyst बनना, non-IT से IT में आ सकते हो, डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो विद मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम, बट आपको एक रोड मैप समझना है कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बन सकते हो, तो उसके लिए मैं एक फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास रखने वाला हूं। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, साथ में इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो। और इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई-बुक जो आपको हेल्प करती है एक डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट, वर्थ ₹1500, बट आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। सो डू नॉट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो और इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप करो, मुझे वहां मिलो और स्टेप बाय स्टेप समझो कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो इन ईयर 2024। और हां, मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।